गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, इसकी बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द वर्ड सेंट। परसेंट में जो वर्ड सेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटम मीनिंग हंड्रेड। जो सेंट है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सेंटम से, जिसका मतलब है हंड्रेड। अब समझते हैं वर्ड परसेंट को। देखिए, जो वर्ड परसेंट है वो बना है पर और सेंट को जोड़ के। सेंट अभी हमने देखा, इसका मतलब होता है हंड्रेड, पर का मतलब होता है वन अपॉन, तो परसेंट का मतलब हो गया वन अपॉन हंड्रेड। इफ आई राइट फाइव अपॉन हंड्रेड, फाइव अपॉन हंड्रेड को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन हंड्रेड या फाइव टाइम्स वन अपॉन हंड्रेड। वन अपॉन हंड्रेड अभी हमने सीखा ये होता है परसेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं वर्ड में, आई से 5%, PERCENT। सिमिलरली 33 अपॉन 100 को मैं लिख सकता हूं 33%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके सिंबल को समझते हैं। जो हमने वर्ड्स में लिखा परसेंट, वो सिंबॉलिकली किस तरीके से लिखा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। 5 अपॉन 100 का मतलब होता है 5%, वर्ड्स में लिख रहे हैं PERCENT। अब इस वर्ड को मैं सिंबॉलिक सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 5% का सिंबल ये है, स्लैश और ऊपर और नीचे दो स्मॉल सर्कल्स। सिमिलरली 33 अपॉन 100 को 33% परसेंट वर्ड की जगह हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं 33%, से स्लैश हो गया, ऊपर एक छोटा सर्कल, नीचे एक छोटा सर्कल, तो इस तरीके से हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं परसेंट को। अब कुछ कन्वर्जन देखते हैं, परसेंट को मैं लोएस्ट टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं उसको समझते हैं। अब ये हमें दिया हुआ है 5%, 5% ये सिंबल है, 5% को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 100। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 20, 1 डिवाइडेड बाय 20, तो 5% इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20। सिमिलरली 25%, इसको हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100, 100 इज द मल्टीपल ऑफ 25, जो कि बन जाएगा लोएस्ट फॉर्म में 1 अपॉन 4, सो 25% का मतलब हो गया लोएस्ट फॉर्म में 1 अपॉन 4। उल्टी कन्वर्जन करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक फ्रैक्शन दी हुई है 4 अपॉन 5 या 4 डिवाइडेड बाय 5, इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए, डिनोमिनेटर में 5 है, हमें डिनोमिनेटर में कुछ 100 कुछ इस तरीके से करना है कि नीचे 100 आ जाए, परसेंट तभी बनेगा। तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी उसी से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में मेरे 100 आ जाए और साथ में जो मेरी फ्रैक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए। अगर आप उस फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं आता, वो फ्रैक्शन वही रहती है। 4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 400, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500 बनता है, लेकिन अभी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं 1 अपॉन 100। अभी हमने सीखा इसको हम परसेंट बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया 400 डिवाइडेड बाय 5 परसेंट, वर्ड्स में लिख दिया। अब ये जो वर्ड है परसेंट, इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 400 डिवाइडेड बाय 5, 400 मल्टीपल है 5 का, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 80 आ जाएगा, तो ये बन गया 80%। तो फ्रैक्शन टू परसेंट, ये 4 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब हो गया 80%, या 80% का मतलब हो गया फ्रैक्शंस में 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा परसेंट का। अब छोटी सी क्विज है, आप कन्वर्ट कीजिए 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू परसेंट, या 2 अपॉन 3 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड द आंसर इज 66.66% या 66.67%। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।